गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सेकंड क्लास। देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था? शब्द समूह के लिए एक शब्द, ठीक है ना? और आज क्या पढ़ेंगे हम? निबंध लेखन। लेखन तो आज हम यही पढ़ेंगे, निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में देखिए किस किस के हैं हमारे पास में। गाय का है, मेरा घर है, दीपावली है ना, और उसके बाद में दीपावली के बाद में है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मेरा पहली बार जंतुआलय जाना। तो ये इसमें काफी सारे दे रखे हैं, तो इसमें से आपको एक मैं करवा देती हूँ और एक आप अपने घर से कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए, गाय का करेंगे, मेरा घर या दिवाली। वैसे तो छोटा सा है गाय का, तो मैं आपको गाय पे करवा देती हूँ और एक बार पढ़ के पहले बता देती हूँ। किसी विषय पर एक सुंदर तरीके से अपने विचार को व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विषय के अनुसार शब्दों का प्रयोग और चयन होना चाहिए। तो किस पे लिखेंगे? गाय पे। गाय एक पालतू जानवर है, यह सफेद, काली, भूरी आदि रंगों की होती है। इसके चार पैर और दो सींग होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है ना? गाय घास और चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है, इसका दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। ये हो गया। और इसके बाद में जो मेरा घर है, मेरे घर वाला, देखो मेरा घर कैसा होना चाहिए, मैं आपको एक बार ओरल करके ऊपर के बता देती हूँ, फिर रिटेन में आपको करवा दूंगी। मेरा घर हरे रंग का है, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में चार कमरे हैं, हर कमरे में खिड़कियाँ लगी है, मेरा घर हवादार है, घर में एक रसोई भी है, घर के बाहर सुंदर बगीचा है, मुझे मेरा घर प्रिय है। दिवाली। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, दिवाली का त्यौहार बहुत दिवाली हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह प्रकाश का त्यौहार है। दिवाली का अर्थ है दीपों की आवली या पंक्ति। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र रावण को मारने को मन के बाद अयोध्या लौटे थे, इसीलिए हम इस दिन को प्रकाश की अंधेरे पर विजय के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी के लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई थी, ठीक है? दीपावली के दिन कुछ पहले से ही कुछ लोग अब मकानों व दुकानों को साफ करते हैं और पुताई करते हैं, दुकानों और घरों को सजाते हैं, लोग मिठाइयाँ व पटाखे व अनेक चीज़ें खरीदते हैं, रात्रि को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, घरों को दिए जलाकर सजाते हैं, अपने मित्रों व संबंधियों को मिठाई व उपहार बांटते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो हम इसको लास्ट पर
पढ़ेंगे फिर, ठीक है? फिर मैं आपको नोट कर दूँगा। महात्मा गांधी भारत के एक महान व्यक्ति थे, हम उन्हें सम्मान से राजपूता कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राज्य के दीवान थे, उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, फिर दक्षिण अफ्रीका भी गए, जहां उन्होंने अश्वेत लोगों के हित की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया और विजय प्राप्त की। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए और हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व दिया। अनेक बार जेल गए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसे प्राप्त कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने हे राम शब्द का उच्चारण किया, ठीक है? तो ये मैंने आपको इस करा दिया। अब देखिए, मैं कुछ 8-10 लाइन आपको बोर्ड पर करा देती हूँ, तो आप अपने कमी में कर लीजिएगा।
इसमें देख लीजिए मैंने क्या क्या आपको करा दिया है। निबंध लेखन हो गया, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया, फिर पर्यायवाची भी हो गए आपके, इसमें विलोम शब्द हो गए, है ना। फिर जब सारे बच्चे बुक परचेज कर लेंगे तब फिर हम आगे कराएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।